हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द पोएम द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरमैन. दीज आर द थिंग्स विच विल कवर इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. सो देर इज दिस बॉय, अ लिटिल बॉय हु इज रियली वेरी अपसेट. वो बहुत सैड है, बहुत अपसेट है, बिकॉज ही हैड अ बॉल एंड व्हेन ही वाज प्लेइंग विद इट हिज बॉल वेंट इनटू द रिवर. And now he can never get that ball. Now you must be thinking कि एक छोटी सी ball ही तो है या फिर एक छोटा सा toy ही तो है, उसकी cost तो बहुत कम होती है, वो चाहे तो उसे और भी ball मिल सकती हैं. Yes, वो चाहे तो उसे और भी ball मिल सकती हैं, but this ball was his favorite one. और वो child उससे बहुत ज़्यादा attached था, बहुत सी memories थी जो उससे जुड़ी हुई थी. So now this poem is all about how this child is learning and understanding his responsibilities and growing up. So this is not only about a toy or a ball or about this child. It goes with us too. There are many things in our lives also which we really love. Kuch cheeze materialistic hongi, kuch nahi hongi. हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहें. वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विद आर लाइव्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू. तो यहाँ पर पोएट जॉन बेरमैन पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, means that how is the boy now, whether he is upset, whether he is okay, or whether is he still thinking about it as he has lost his ball. What is he to do, means that what he will do now, whether he will purchase the new one or he'll mourn about it. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So merrily means happily, bouncing is jumping up and down the street is on the road. So I saw it go, so I is for poet, I saw it go and it is for ball. So what he is saying, ki I saw it go, maine dekha tha usse jaate huye, kisko? Ball ko. Merrily bouncing down the street means happily bounce करते हुए, jump करते हुए सड़क पर उसको जाते हुए देखा. And then merrily over there it is in the water. And then मैंने देखा, जब मैंने देखा, when I saw it was in the water. So what poet is saying that जब मैंने ball को देखा तो वो jump करते हुए, खुश होते हुए सड़क पर थी and then उसके बाद वो पानी में चली गई. And here now child has lost his ball. No use to say, oh, there are other balls. So what point is saying that there is no use to say, if I'll go to the child and if I'll say that, oh, don't worry about it, you will get another one. Ya phir ye iska price bahut kam hai, tumhe aram se dusri ball mil jayegi. So he is saying that there is no use to say this. Why? Because he wants the child to learn the sense of loss. सो पॉइंट इस पूरे स्टैंजा को हमारी लाइफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इन आर लाइफ ऑल्सो देर आर थिंग्स विच वी रियली लव. तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं व्हेन वी लूज व्हाट वी लव, हम मूव ऑन करते हैं, हम न्यू परचेज करते हैं या फिर हम रिग्रेट करते हैं. थिंक अबाउट इट. अल्टीमेटली व्हेन हिज बॉल वेंट इनटू द पोर्ट, जब बच्चे की बॉल पानी में चली जाती है, ही बिकम्स वेरी डिसहार्टेंड. And how we know about it? As he stands rigid, क्योंकि वो एकदम still खड़ा रहता है, काँप रहा होता है, बहुत देर तक उस जगह को घूर कर देख रहा होता है, all his young days into the hub. कैसे उसके जो young days हैं, यहाँ पर young days childhood memories के लिए use किया है, कि कैसे उसके जो childhood memories हैं वो सारी hub में, सारी port में चली गई हैं, जहाँ उसकी where his ball went, जहाँ उसकी ball चली गई है. सो यहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को मिस कर रहा है. वो उस बॉल से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, कैसे वो उसके साथ खेलता था, कैसे वो उसके साथ एंजॉय करता था. तो वो इतना ज़्यादा अटैच्ड था, वो उस जगह को बहुत देर तक घूर कर देख रहा होता है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. यहाँ आई पॉइंट के लिए यूज़ किया गया है. सो वॉट पॉइंट इज सेइंग दैट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम,
मीन्स आई वॉन्ट गेट इन्वॉल्व इन दिस, लेट हिम बी लाइक दिस. अगर वो सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो उसको होने दो. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. सो डाइम इज 10 सेंट्स. वो जो बॉल थी वो सिर्फ 10 सेंट्स की थी. इट वॉज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. पॉइंट चाहते तो उसको एक अनदर बॉल ला कर दे सकते थे, बट ही डिडंट वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस, दैट वुड बी यूजलेस. अगर वो उसके लिए दूसरी बॉल ला कर दे देते जो बहुत कम प्राइस की थी, दैट वुड बी वेरी यूजलेस. वाई? पॉइंट चाहते तो उसको और भी टॉयज ला कर दे सकते थे, बट ही इज़ नॉट डूइंग सो बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू लर्न हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज. So if we take these lines on us, think about the thing which you really love right now. तो वो अगर हमसे दूर होती है, we will also be in pain at least for some days, right? So we won't be very cheerful. What you will do if you lose something, think about it and let's continue. Now he senses first responsibility in a world of possessions. So what possession means is ownership, when you own something. So what Poet is trying to say that now when he has lost his ball, he senses first responsibility. So first time in his life, he is becoming responsible. He is learning something in a world of possessions, means in a world of ownership. When people owns lots and lots of things, to jab unse wo pyari cheez unse dur ho jati hai, at that time he will learn responsibility, he will learn the sense of loss. People will take balls will be lost always, little boy. So यहाँ पॉइंट बोल रहे हैं कि कभी लोग तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज़ ले लेंगे, या फिर कभी वो चीज़ तुमसे दूर हो जाएगी या वो खो जाएगी. And no one buys a ball back, money is external. So what external means is worldly, that money cannot buy happiness. So money cannot buy everything, right? It cannot buy a ball means it cannot buy a love, it cannot buy happiness, childhood memories जो उस बच्चे की खो गई थी या चली गई थी उस बॉल के साथ. It can just buy materialistic things, but cannot buy love or things which really matters to us. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. So epistemology, this word sounds really tough, but iska meaning bahut hi easy hai. Epistemology means knowledge of loss, means understanding what it means to lose something. So what Poet is saying that he is learning means he has to learn. When he has lost his ball, now he has to learn well behind his hopeless eyes. Means he has to come out from his desperation or from his hopelessness, the epistemology of loss. And now he has to understand the knowledge of loss or what it means to lose something. So he has to get over with that. How to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. So he has to stand up, means he has to overcome as every person has to, or go to stand up after such losses. It's important. Everyone has to learn how to leave things behind and move on with their lives. So at the end, no matter how much we love our possessions, we have to overcome with our losses. We have to learn how to stand up and move on with our lives. Life is really very precious and should not be wasted in grief or sorrow. We will love our life if we live it without regret and with our happy faces. So always smile no matter what happens in your life.